नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति करने के कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूं, पर आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक खास उपाय लेकर आई हूं, एक खास तकनीक लेकर आई हूं, जिसका उपयोग करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को आसानी से पूरी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आपको लगातार 11 दिनों तक करना है, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, ये उपाय बहुत ही आसान है, सिर्फ अगर इसे अच्छे से किया जाए। वो कहते हैं ना, प्लान कितना भी पावरफुल हो, अगर उसे सही ढंग से एग्जीक्यूट किया जाए तभी वो प्लान सक्सेसफुल होता है। तो ये जो मैं आपके साथ में उपाय बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इसे अच्छे से, जैसे मैं बता रही हूँ, उस लेवल तक जाकर अगर आप इसे करेंगे, तभी ये आपको खुद देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपको विद इन 20 डेज, 20 दिनों के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो 20 ही दिनों में पूरी हो जाएगी। तो 11 दिनों का एक उपाय है जिसको करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। कितनी ही छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, कोई भी मनोकामना आसानी से पूरी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जो मनोकामनाएं होती है, ये हमारी इच्छाएं होती है, ठीक है। ये पूरी जरूर होती है। अगर किसी चीज को हम दिल से चाहते हैं, वो पूरी जरूर होती है, ठीक है। पर उसको पूरी करने के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ते हैं। अब उन कर्मों को तो हम करते हैं, पर हमें असफलता मिलती जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो ये जो हम कुछ उपाय करते हैं, कुछ टोटके करते हैं, ये क्या करते हैं, उन कर्मों को सफल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने टोटका कर दिया, उसके बाद में हम बैठ गए कि अब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें टोटका कर देना है, हमें उपाय कर देना है, उसके बाद में जो कर्म है, वो जो मनोकामना पूरी करने के लिए जो कर्म है, वो आपको करना है। फिर जब भगवान होते हैं, तो ये जो हम भगवान क्या करते हैं कि ये जो हमने टोटके किए हैं, ये जो उपाय किए हैं, उनको, उनकी वजह से उन कार्यों को सफल बना देते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलिए आपको बताती हूँ कि क्या उपाय करना है, कैसे करना है, पूरी प्रोसेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगी, मैं आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियोस, इतने सारे हेल्पफुल टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, तो आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सब्सक्राइब करने से मतलब है कि आप बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, तभी तो आपको मैं मदद कर पाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है। ये जो उपाय है मैंने आपको बता दिया, लगातार 11 दिनों तक करना है, बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप बीच में एक आध दिन छोड़ देते हैं, तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कोई अलग से जर मंतर जादू टोना नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप ही के घर में कोई भी समय, ठीक है, आप ही के घर में किसी भी समय, आपके घर का जो मंदिर है, जहां पर आप घर में डेली पूजा करते हैं, अगरबत्ती दीपक वगैरह लगाते हैं, वहां पर, ठीक है, वहां पर इस उपाय को करना है। कैसे करना है, आपको एक ग्लास ले लेना है, वो गिलास कांच का होगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें आपको पानी ले लेना है, और अगर वो गिलास चांदी का, तांबे का या फिर किसी भी धातु का होगा तो चलेगा, स्टील का नहीं चलेगा, ठीक है। कांच का या तो, या फिर चांदी का, तांबे का, पीतल का, इस तरह का आप ले लीजिए, ठीक है। ग्लास में पूरा पानी भर लीजिए। अब यहाँ पर कई लोग होंगे जो कहेंगे कि ग्लास नहीं है तो आप लोटा ले लीजिए, लोटा नहीं है तो कोई भी पात्र ले लीजिए, ठीक है। पर आपको या तो कांच का या फिर किसी भी धातु का, चांदी, सोना, तांबा, पीतल ले लेना है, ठीक है। अब उसमें आप पानी भर लीजिए। अब जो भी आपका मंदिर है, जहां पर आप इस उपाय को कर रहे हैं, वहां पर सबसे पहले एक दीपक लगा लीजिए। दीपक लगाते समय आपको अपने इष्ट को, जिस भी भगवान को, जिस भी, जैसे भोलेनाथ को, राम भगवान को, श्री कृष्ण को, जिनको भी आप मानते हैं, उनका स्मरण करना है, ठीक है। आपको उनकी, जैसे भी आप स्तुति करते हैं कि ओम नमः शिवाय, श्री राम, या जो भी आप कहते हैं, वैसा कहिए, आप उन्हें पहले याद कीजिए, ठीक है। याद करने के बाद में आप, वो दीपक जब प्रज्वलित हो जाएगा, उसके बाद में वो जो ग्लास हमने लिया है जिसमें पानी है, उसे आपको अपनी नज़रों के सामने रखना है। आप उसे जहां भी रखें, आपकी पूरी नज़र उस ग्लास पे होनी चाहिए, नज़रें ग्लास पर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो जो पानी है वो आपको दिखते रहना चाहिए। अब आपको उस पानी से अपनी मनोकामना कहनी है, ठीक है। पानी से मनोकामना कहनी है, मतलब वो जो, जब हमने भगवान का
स्मरण किया, चिंतन किया, तो हमने दीपक जलाकर आह्वान किया है भगवान का। अब फिर हम जो हमारी मनोकामना है वो भगवान से कह रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पानी है उसको देखकर आपको अपनी मनोकामना कहनी है। मान लीजिए कि ये पानी का ग्लास है और मेरी इच्छा है कि मेरा एक बहुत ही सुंदर सा, चाहे छोटा सा पर सुंदर सा मकान जल्द से जल्द बन जाए, ठीक है। सिर्फ ये एक मनोकामना है, मतलब सिर्फ ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हे भगवान, ये जो उपाय मैं कर रही हूँ ये अपने लिए एक मकान बनाने के लिए कर रही हूँ। एक छोटा सा मकान बनवाना चाहती हूँ या बनाना चाहती हूँ, इसके लिए ये उपाय कर रही हूँ। जल्द से जल्द मेरा मकान बनने वाला है, आपकी कृपा से जल्द मेरा मकान बनने वाला है, आपकी कृपा मुझ पर बरसने वाली है। और ये जो जल मैं ग्रहण कर रही हूँ उस मकान को बनने के, उस मकान के लिए ही जल ग्रहण कर रही हूँ। इस जल को मैं आपका स्मरण करके ग्रहण कर रही हूँ ताकि आप अब मेरी मनोकामना पूरी करने में मदद करेंगे। ऐसा ये मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये हाथ को देखते रही, मतलब ये जो ग्लास है, ग्लास में जो पानी है उसे लगातार मैं देखते रही हूँ और अपनी मनोकामना मैंने कही है। इसी रूप में कहना है, जैसे मैंने कही है उसी रूप में आपको अपनी मनोकामना कहना है। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो आपको कहना है कि मैं ये जो उपाय कर रही हूँ, ये जो मैं जल ग्रहण कर रही हूँ, ये उस व्यक्ति को पाने के लिए कर रही हूँ। तो अब आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपको इसका स्वरूप मानकर ग्रहण कर रही हूँ, अब आप मेरी मदद करेंगे इस मनोकामना को पूरी करने के लिए, ठीक है। आपको ऐसा कह देना है। कहने के बाद में तुरंत आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करके और उस पानी को पी लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अगर आपने ग्लास में लिया है तो आप मुंह लगाकर ही पी लीजिए, बाद में ग्लास को धो के आप रख दीजिए। लोटा लिया है तो लोटे को भी आप चाहें तो ऊपर से पीजिए, पर आपको ऐसा नहीं करना है कि उसको पहले आप किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र करें, लोटे से ग्लास में ट्रांसफ़र करें फिर पिए, नहीं। आप चाहे तो ऊपर से पीजिए, आप चाहे तो मुँह लगा के पीजिए, कैसे भी पीजिए, पर आपको तुरंत तो उस पानी को पी लेना है, ठीक है। पीने के बाद में बस आप हाथ जोड़कर वहाँ से हट जाएं। ऐसा प्रोसेस को आप पूरे 11 दिनों तक करें, ठीक है। 11 दिनों तक इसको करें, उसके बाद में बस अपने भगवान पर अटूट आस्था रखें, पूर्ण विश्वास रखें। आप खुद देखेंगे आपकी मनोकामना पूरी ज़रूर हो जाएगी, ये मेरा दावा है। अगर आप बिल्कुल श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके काम बनने लगेंगे, बिगड़े हुए काम भी संवरने लगेंगे और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। ये जो उपाय है ये पूरा श्रद्धा विश्वास पर काम करेगा। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है इस उपाय के पीछे, कि ये जो पानी हमने इसमें इस्तेमाल किया है उसको हमने कांच के ग्लास में या फिर किसी भी धातु में लिया है, तो पानी में अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, पानी किसी भी चीज़ को आकर्षित करता है, ठीक है। तो हमने जो मनोकामना कही वो पानी में अंदर गई, ठीक है, पानी ने अट्रैक्ट करी। और वो जो धातु है, धातु भी किसी भी चीज़ की सुचालक होती है, ठीक है, तो वो चीज़ उसने भी ग्रहण करी। अगर आप कांच लेंगे तो कांच के आर पार आपको दिखेगा, मतलब आपकी मनोकामना डायरेक्ट उस पानी में गई है। अगर आपने धातु इस्तेमाल की है तो धातु भी उस चीज़ को कैच करके उस पानी तक उसने पहुँचा दिया है। फिर उस पानी को तुरंत हमने पी लिया, मतलब हमारी मनोकामना को, हमारे इष्ट को हमने साक्षी बनाकर उस पानी को हमने ग्रहण कर लिया, तो हमने हमारे रोम रोम में इस इच्छा को पहुंचा दिया। अब वो भगवान खुद सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाने लग जाएंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होने में बहुत ही कम समय बाकी रह जाएगा। बस ऐसा करने के बाद में आप भगवान पर विश्वास रखें, आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। ये मेरा 100% विश्वास है और मेरा दावा भी है। अगर आपको इस उपाय में कोई कंफ्यूजन रहता है, कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप मुझे मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, डीएम कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और दोस्तों इसी के साथ मेरे चैनल पर कई सारे मनोकामना पूर्ति के और भी टोटके उपाय मैंने दिए हैं, आपके साथ में शेयर किए हैं, जिन्हें भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको लिंक शो हो रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने कई वीडियोज के लिंक आपके साथ में शेयर किए हैं, तो आप उन्हें जरूर देखें और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उन्हें पूरी कर लें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है, आपका कम बन जाता है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।